अब हवन करना तो मुश्किल है, बहुत सारे घर तो ऐसे होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है तब हवन हुआ था, फिर बच्चे की शादी हो रही है तब हवन हुआ है, वो 20-25 साल हो जाते हैं घर में कोई हवन नहीं होता। ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं और हकीकत है ये। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब नए ज़माने में हम इसको कैसे प्रैक्टिस में लाएँ कि मालूम है कि ये दिक्कत है, इसको हम सॉल्व कैसे करें। हम अपनी ज़िंदगी की कशमकश में इतने ज़्यादा हम व्यस्त रहते हैं, उसको सुलझाने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि हम ये देखते हैं कि उसको कहीं से कोई गलत इफेक्ट ना आए, हम कभी उसके कॉज के ऊपर जाते ही नहीं हैं। और फिर एक दिन कभी ऐसा आता है कि कोई हमारा दोस्त है या परिवार वाले हैं, वो बताते हैं कि आपका इस घर में इस कोने में यहाँ पे ये दिक्कत है, या यहाँ टॉयलेट बना है, या यहाँ पे ये कोना आपका कटा हुआ है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिनका आप नेट पे सर्च करके और काफ़ी जगह से आप जानकारी पा करके आप खुद चाहते हो कि उससे कैसे हम सॉल्व कर सकें। हम लोग ने वो एक नई फॉर्मूला डेवलप किया है और अरोमा वास्तु ने, कि जिसके अंदर आप अपने आप खुद ही घर के अंदर बैठे हुए इस चीज़ का बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं, जिसका नाम है आयतन। ये आयतन जो है ये प्रिंसिपल बेसिक वर्क करता है, जो हवन का प्रिंसिपल है डिफ्यूजन का, कि जब औषधियाँ बहुत सारी डलती हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ डलती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डलती हैं, तो वो जड़ी बूटियों से जलने से जो तेल निकलता है और वो तेल का जो खुशबू जो फैलती है वो औषधि का काम करता है, वो घर को एनर्जाइज करता है, आपके ग्रहों को एनर्जाइज करता है और आपको स्टेबल रखता है। अब हवन करना तो मुश्किल है, बहुत सारे घर तो ऐसे होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है तब हवन हुआ था, फिर बच्चे की शादी हो रही है तब हवन हुआ है, वो 20-25 साल हो जाते हैं घर में कोई हवन नहीं होता। अब तो ये भी हाल है कि गृह प्रवेश के टाइम पे पंडित जी को बोला जाता है कि साहब पंडित जी हम जरा अग्नि मंद रखिएगा, ऊपर POP काला हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं और हकीकत है ये। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब नए ज़माने में हम इसको कैसे प्रैक्टिस में लाएँ कि मालूम है कि ये दिक्कत है, इसको हम सॉल्व कैसे करें। अब टूट तो नहीं सकता, अब जैसा है तो वो हमारे पास है, वही चीज़ वैसी रहेगी। कि अगर नॉर्थ ईस्ट किसी घर का अगर कटा हुआ है, कहीं पे अगर ईस्ट में टॉयलेट है तो वो टॉयलेट है, और उसी के हिसाब से हमको सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी। उसके लेवल पे हम लोगों ने आयतन का फॉर्मुलेशन किया है। आयतन का फॉर्मुलेशन ऑकल्ट के हिसाब से, जिसमें वास्तु ज्योतिष ये दोनों ही चीज़ों का समावेश है, जिस जोन में जिस जगह का डिप्लीशन है, कि जैसे मेरे हाथ में इस समय अर्थ है, आयतन अर्थ या आयतन भूमि, आप दोनों नाम से इसको कह सकते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है ये। इसमें एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड्स हैं, वो मुख्य ऑयल हैं जिनका काम है ग्राउंडिंग का, अर्थ का, या ना जैसे कि आपका सेडार वुड है, हिमालयन है, बहुत सारे हमारे एसेंशियल ऑयल्स ऐसे होते हैं कि जिनके यूज़ करने से ऑटोमेटिकली घर के अंदर स्थिरता आती है, रिलेशनशिप ठीक होते हैं, हमारा पैसा टिकने लगता है, वो सारी ही चीज़ें जो अर्थिंग और ग्राउंडिंग से रेगुलेट होती हैं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो स्टोर नहीं हो रहा दिमाग में, भूल जा रहा है, दैट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ अर्थ एलिमेंट। आप कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है लेकिन खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं, दैट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ अर्थ एलिमेंट। तो जो भी चीज़ों को स्टोरेज करना है, जो चीज़ों की स्थिरता करनी है, उन सभी चीज़ों के लिए अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर एक इसको आप डिफ्यूज़ कर सकते हो, आपको ऑनलाइन बहुत सारे डिफ्यूज़र मिल जाएंगे, डिफ्यूज़र आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये से लेकर 1500 तक बड़े आराम से डिफ्यूज़र आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर ये एसेंशियल ऑयल का जो ब्लेंड है, इसके 5 बूंदे आप डाल करके सुबह और शाम 12 घंटे में एक बार घर को आप सुगंधित भी कर सकते हैं और उस चीज़ का ऑटोमेटिकली अपने आप हल हो जाएगा। कि जैसे अगर मान लीजिए किसी के घर का साउथ वेस्ट एरिया कमज़ोर है, कटा हुआ है, या वहाँ पे कोई बहुत बड़ी विंडो है, या वहाँ पे बोरिंग है, बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसको कंपनसेट करता है ये आयतन का पृथ्वी या फिर आयतन का भूमि ऑयल, जो घर के साउथ ईस्ट एरिया, साउथ वेस्ट एरिया को बड़े ही अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। उस घर के अंदर रह रहे हर एक इंसान का राहु प्लैनेट ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है, मूलधार चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है, ये सारी ही चीज़ें इंसानों को देखते हुए बनाई गई हैं। फ़ायदा आपको चाहिए, बिल्डिंग को बाद में चाहिए। डिफ्यूजन से होगा क्या कि वो कंपाउंड एनर्जी में वो अर्थ एलिमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप उस चीज़ को जब इनहेल करते हैं तो आपका भी प्लैनेटरी पोजीशनिंग और बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है। थैंक यू।